पाकिस्तान में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया ग्रोस को कराची ग्रोस ने ही करवाया है। टुगेदर हमारी जो है 10 आउटलेट्स हैं पूरे कराची के अंदर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं भाई? इस वक्त हम लोग ज़रा ब्रोस्ट का हमारा मन कर रहा था, तो ब्रोस्ट के लिहाज से अगर कराची शहर की बात करी जाए तो सबसे पहले जहन में जो आता है वो आता है कराची ब्रोस्ट। कराची ब्रोस्ट की स्टोरी भाई ये है थोड़ी सी कि इस वक्त इनकी 10 ब्रांचेस जो हैं कराची में मौजूद हैं जो कि चल रही हैं। इस वक्त हम गुलशन ब्रांच में जो नंबर 3rd पर आती है वहाँ मौजूद हैं। तो कराची ब्रोस्ट बहुत पहले एक दफ़ा ट्राई करा था जो कि गुलशन की ब्रांच में नहीं करा था, तो अभी काफ़ी टाइम बाद आए हम लोग। तो ब्रोस्ट मंगवाते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। डाइनिंग एरिया कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो भाई अभी ब्रोस्ट का ऑर्डर देते हैं, कराची ब्रोस्ट जो कि एक माना जाना बहुत अच्छा कंसिडर करा जाता है उसे, तो उसका ज़रा टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू करके बताते हैं। पहली स्पेशलिटी जो हमारे पास जो है वो हमारा ओरिजिनल ब्रोस्ट है जो आप अमेरिका वगैरह में जाके खाते हैं, तो उसके अंदर जो है आपने देखा होगा एक फ्रायर होता है जो स्टीम के अंदर कुक कर रहा होता है, वही सेम हमने जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की हुई है जो 82 में हमने यहाँ अमेरिका से जो है यहाँ पे इंपोर्ट करवाई थी, और वही चीज़ हम आज तक यूज़ कर रहे हैं जो बाकी जगह पे यूज़ नहीं होती, क्योंकि बाकी जगह पे ओपन फ्राई करके यूज़ करते हैं क्रिस्पी हो जाती है। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मज़ा आए। थैंक यू। दिन और रात में हमारा ऑर्डर आ चुका है, इस वक्त हम लोगों ने डील इस वक्त मंगवाई है जो कि है कितने की है भाई, 940 की है, जिसमें हमें फ्रेंच फ्राइज़ दिए गए हैं और ये ब्रोस्ट दिया गया है जिसमें एक चेस्ट का पीस है और एक विंग है, ठीक है, और दो सॉसेस हैं जिसमें एक रेड चिली सॉस है और एक इनका ये वाइट सॉस है, और ये जिंगर बर्गर है, बन है, और ये हमें दी गई हैं हॉट शॉट्स। तो ज़रा इसको खा कर रिव्यू करके आपको बताते हैं कि भाई कराची ब्रोस्ट की ये डील कैसी है। देखो बतीन हज़रात इसका रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। सबसे पहले मैं इनकी हॉट शॉट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं, इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले वाइट सॉस के साथ, इसमें ले रखा रही अच्छी है काफ़ी। हॉट शॉट मज़े के यार, ये हमें जिंगर दिया गया है, अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं कि कराची ब्रोस का जिंगर कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिंगर काफ़ी जूसी है, जो चिकन है वो ड्राई नहीं है अंदर से भी, काफ़ी जूसी है, और ये देखो हाँ। तो भाई ख़वातीन और हज़रात अभी ये हॉट शॉट्स और इनका जिंगर ट्राई करा है मैंने, मुझे हॉट शॉट से ज़्यादा जिंगर अच्छा लगा, जिंगर काफ़ी जूसी है और ड्राई नहीं है, चिकन भी अच्छी खासी टेंडर्ड है, मज़े का है। अब लास्ट में जो असल चीज़ हम लोग ट्राई करने आए थे दिस कराची ब्रोस्ट, तो कराची ब्रोस्ट को ज़रा ट्राई करते हैं कि भाई इनका आखिर ब्रोस्ट है कैसा, काफ़ी गर्म हो रहा है अभी तो खैर मैंने ब्रोस्ट लिया नहीं है। ये चेक करें, इनकी रेड चिली सॉस के साथ ट्राई करते हैं। इनका रेड सॉस बहुत मज़े का यार, अब शायद थोड़ा सा ठंडा हो गया, ये देखें जैसा धुआं निकल रहा है इसमें से, मेरे हाथ जल रहे हैं। रेड सॉस और वाइट सॉस को मिला के खाते हैं, फिर देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है और टेस्ट कैसा क्रिएट हो रहा है। इसमें डर पड़ रही, वाह ऐसी चल रहा है, लेकिन रेड सॉस की वजह से मुझे पसीने आ रहे हैं मेरे, अब सिर्फ रेड सॉस के साथ खाते हैं। यार ब्रोस के बारे में पता क्या कहना चाहूँगा, इनका ब्रोस बहुत ही टेंडर्ड है, मज़ेदार है, खाने के बाद एक फ्रेशनेस फील हो रही है, नहीं वो एक होता है ना वो रखा हुआ होता है, नहीं बिल्कुल फ्रेश है, हर चीज़ अच्छी है। जिंगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ब्रोस भी बहुत मज़े का है, और ख़ास तौर पर इनका जो रेड सॉस है तो इसने तो मज़ा जो है ना दुबाला कर दिया है। तो यार हम लोग
इसको कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर आएँ। हाईली रिकमेंडेड, बहुत मज़े का ब्रोस्ट इनका। ठीक है भाई, अपना खास ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।